बॉलीवुड के एक बहुत बड़े लेजेंड कादर खान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता होगी। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 में अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था और कादर खान पश्तून एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, यानी कि वो एक पठान थे। मगर जब कादर खान छोटे थे तब उनकी फैमिली इंडिया शिफ्ट हो गई और फिर कादर खान की पढ़ाई लिखाई और बाकी जिंदगी इंडिया में गुजरी। कादर खान के तीन भाई थे, शमसुर रहमान, फजल रहमान और हबीबुर रहमान। कादर खान ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद एमएच सबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने एज अ प्रोफेशन जॉब भी की थी। जब कादर खान ने ताश के पत्ते नाम के एक प्ले में परफॉर्म किया तब आगा नाम के एक कॉमेडियन की नज़र कादर खान पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को उस प्ले को देखने को कहा। और जब दिलीप कुमार ने उस प्ले को देखा तो वो काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी आने वाली दो फिल्मों में कादर खान को काम दे दिया। और फिर उसके बाद कादर खान ने 300 जितनी बॉलीवुड फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया और 250 जितनी फिल्मों में डायलॉग्स लिखे। विलन्स के रोल हो या फिर कॉमेडी, कादर खान की एक्टिंग का कुछ अलग ही लेवल था और शक्ति कपूर, असरानी और गोविंदा के साथ उनकी जो जुगलबंदी थी वो भी एक अलग ही लेवल की थी।